नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। 15 फरवरी की करंट अफेयर आज हम जानेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं 15 फरवरी की करंट अफेयर थ्योरी बेस्ड बताऊंगा आप सभी को, और लास्ट में उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र का 13 फरवरी को समापन हो गया। इस लोकसभा में यह संसद का बजट सत्र था, जो 31 जनवरी को शुरू हुआ था। इस सत्र में लोकसभा ने 12 फरवरी को वित्त विधेयक ध्वनि से पारित कर दिया। मौजूदा सत्र के दौरान राज्यसभा में मात्र 2 विधेयक पारित हुए। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 111 हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए इच्छुक रणनीतिक साझेदारों और विदेशी उपकरण निर्माताओं को आमंत्रित किया है। चुने गए रणनीतिक साझेदार को 111 हेलीकॉप्टर में से 95 का निर्माण भारत में ही करना होगा, मेक इन इंडिया के तहत। ये नए हेलीकॉप्टर चेतक मॉडल का स्थान लेंगे और इनका उपयोग खोजबीन, राहत और बचाव कार्यों में किया जाएगा। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने नई दिल्ली में 13 फरवरी 2019 को ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया। इसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों और संबंधित मामलों के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए लॉन्च किया गया है। औषधि, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी स्वचालित दवा सहायता पहल के लिए संक्षिप्त नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक, IDBI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर अपने ग्राहक को जाने और धन शोधन रोधी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर वित्त उपयोग निगरानी, सूचना के आदान प्रदान, धोखाधड़ी की सूचना देने तथा खातों के पुनर्गठन संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 फरवरी को विधानसभा में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लागू किए जाने की घोषणा की। घोषणा के तहत वैसे पत्रकार जिन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाओं में कम से कम 20 वर्ष तक अपनी सेवा दी हो और उनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो गई हो, उन्हें पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का लाभ 1 अप्रैल 2019 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान की खरीद पर नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG ने 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। इस रिपोर्ट में CAG ने पूर्ववर्ती UPA सरकार और वर्तमान NDA सरकार द्वारा तय किए खरीद समझौते का तुलनात्मक विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच हुई रफाल डील पहले की तुलना में 2.86% सस्ता बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब प्रवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 को मंजूरी दी। यह शोषित NRI पति पत्नी के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करने हेतु कानूनी ढांचे के संशोधन को प्रदान करता है और अनिवासी भारतीयों से विवाहित भारतीय नागरिकों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार जब यह पारित हो जाएगा तो अनिवासी भारतीय द्वारा किए गए विवाह भारत या भारतीय मिशनों और विदेश में पोस्ट में पंजीकृत किए जाएंगे। सेवानिवृत्त अधिकारी अश्वनी लोहानी को 13 फरवरी 2019 को नेशनल कैरियर एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD नियुक्त किया गया। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। अगस्त 2017 में उन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया और 31 दिसंबर 2018 को वो सेवानिवृत्त हो गए थे। एयर इंडिया के CMD प्रदीप सिंह खुराला को पहले 6 फरवरी को नया नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के भीमावरम मंडल के टुंडरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की स्थापना की। इस पार्क का प्रचार गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। यह पहला मेगा एक्वा फूड पार्क होगा जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए संचालित किया जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ भारत के ब्रह्मा अंतरिक्ष क्षेत्र शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए हंगरी, बी फिनलैंड, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मा अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र MOU को मंजूरी दे दी है। ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन से संबंधित है, तो इसके ऑप्शंस हैं ए तरल पेट्रोलियम गैस, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी वायु ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तरल पेट्रोलियम गैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत तेजी से सबके लिए ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और देश में ब्लू फ्लेम क्रांति गति पकड़ रही है। मोदी ने पेट्रोलियम पर आयोजित 13वें सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है, इसके माध्यम से गरीब भी विकास में भागीदारी हो सकते हैं। बता दें ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन तरल पेट्रोलियम गैस से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुज्जरों को 5% आरक्षण देने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने गुज्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया। नासा के एक ताजा अध्ययन में आम अवधारणा के विपरीत यह पाया गया कि भारत और कौन सा देश पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी रूस, सी चीन या फिर डी जापान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी चीन। नासा के एक ताजा अध्ययन में आम अवधारणा के विपरीत यह पाया गया कि भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे है। इस अध्ययन में कहा गया कि दुनिया 20 वर्ष पहले की तुलना में अधिक हरी भरी हो गई है। केंद्र सरकार ने रेलवे सेवा के किस सेवानिवृत्त अधिकारी को दोबारा सार्वजनिक विमान कंपनी एयर इंडिया का चेयरमैन व MD नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए राहुल सचदेवा, बी मोहित महाजन, सी अश्वनी लोहानी, डी अर्जुन त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी अश्वनी लोहानी। केंद्र सरकार ने रेलवे सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अश्वनी लोहानी को दोबारा सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया का चेयरमैन व MD नियुक्त किया है। दिसंबर 2018 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए लोहानी की नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी। कुसुम योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए गृह मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एक योजना बना रहा है जिसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जिसे बोलते हैं कुसुम। इस योजना का उद्देश्य किसानों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। कामुती सौर ऊर्जा परियोजना दुनिया में सबसे बड़ा एकल स्थान सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए तमिलनाडु। कामुती सोलर पावर प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान सौर ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु के कामुती में स्थित है। भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क हाल ही में किस राज्य में चालू किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के टुंडरू गांव में स्थित गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क को 12 फरवरी 2019 को चालू किया गया था। यह पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी भुवनेश्वर, सी दिल्ली,
डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी भुवनेश्वर। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल के रूप में भुवनेश्वर में 13-14 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निजी बैंक हाल ही में ग्राहक विरोधी धन शोधन नियमों के विभिन्न जानकारियों को पालन न करने के लिए दंडित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए HDFC, बी IDFC, सी HSBC या फिर डी अमेरिकन एक्सप्रेस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए HDFC। रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक, IDBI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर अपने ग्राहक को जानिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों को पालन न करने के लिए 2 मिलियन रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी इसराइल, सी नेपाल या फिर डी चीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी चीन। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में इसराइल का प्रतिष्ठित पुरस्कार डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया। NRI अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण करना अनिवार्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन या फिर डी 40 दिन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी 30 दिन। NRI अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय ने अपने विवाह का पंजीकरण शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं करवाया, उसका पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जब्त या रद्द किया जा सकता है। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 12 फरवरी, बी 1 मई, सी 13 मार्च या फिर डी 1 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी पंजीकरण सोसाइटी है। NPC 12 फरवरी को अपना 61वां स्थापना दिवस मना रही है। 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रेटर नोएडा, बी हैदराबाद, सी गांधीनगर या फिर डी मुंबई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में 13वें पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा सामाजिक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख चालक है। PM ने कहा कि भारत सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।